नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ौत में और यहां पीछे जो तमाम युवा है इनसे बारी बारी पूछेंगे, जानकारी लेंगे, इनसे राय लेंगे कि अब तक इन्होंने कितना काम देखा, कितना नहीं देखा और आगे किसकी लहर या आते हुए देख रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या देख रहे, किसकी लहर है इस वक्त यहाँ? आरएलडी। क्यों, भाजपा से क्या नाराजगी? भाजपा नकरे एक ही है, भाजपा तो एक बात जाने, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और सरकार बनाओ, दूसरी कुछ जानती नहीं है। मगर सबका साथ सबका विकास कहते हैं। कुछ ना विकास, कुछ ना आया, कुछ नहीं मरेगा कि विकास हुआ, कुछ भी ना आया। और इतना कुछ काम किया जनता के लिए, इतना कुछ किया, कहीं ना कर यहाँ ना कुछ सबूत दिखाओ के करा, सब भगा रखे पीछे खा गए सारे। मतलब कह रहे कुछ रोजगार नहीं था तो इतने विज्ञापन दे रहे हैं, बहुत से रोजगार मिल गए, तो झूठ थोड़ी कहेंगे। सब डंगन ना प्राइवेट खरीद दिया कर जा, इसकी तो सोच हुआ है, जहाँ किसी को 60,000 रुपये तनख्वाह दे रहा वहाँ 4 प्राइवेट मानस बैठ दे, 15,000 में बैठ जाएगी, पिल्सन खत्म कर दी ना लोग बाबू की जो सरकारी थे। मारे जैन चौधरी ने बता दिया वो हमारी क्या गर्मी निकाले, मारता खून ही गर्म है, मारी गर्मी के चक्कर में वो मंदिर में टाला ही बजा सके और कुछ नहीं कर सकता। चिमटे बजा कर रहे मंदिर में, इनकी क्या है जो इन्हें भगत है ये टल्लर में चिमटे और बजवा देगा जी। मारी है मान सम्मान की लड़ाई, जैन चौधरी के मान सम्मान की लड़ाई है, मारे चौधरी पर लाठी मारी गई, ए ये लाठी उसका सिर फोड़ देना गंडे स्वामी का। ऐसे कैसे फोड़ देंगे आप, ऐसे थोड़ी होते हैं। जैन चौधरी पर लाठी मारता सोचे ना पहले, एक वो मारी कोठी का मार कर दिखा दो, उसका लकू फोड़ दू साड़ के, उसका लकू फोड़ दू मार दो। एक वो है वो पेटे से छिड़का, वो पेटे से छिड़का, इबला तो वो बात बताओ था, इब जैन के पीछे अंडे पा पकड़ दो, क्यों अंडे हो जट्टू की सरकार बनने की बगैर। मगर इतने बड़े नेता को आप ऐसे थोड़ी बोल सकते, लाठी मार थोड़ी सी मारी ले जैन है के अमित शाह। आप बताइए आपने आप कुछ कहते हैं? क्या बताएं, यहाँ तो आरएलडी है जी, बिल्कुल जैन चौधरी चलेगा जी, बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं आप लोगों का क्या कहना है, कौन किसको चौधरी चलेगा जी? चौधरी साहब एक डबते है आप, जयंत चौधरी ओनली, कहीं तो आवाज कल को उन्हें कह दियो हमारे छोल लाग रही, जो छोल ना हो तो घंटे हम काट देंगे, हम देंगे रोजगार हमारे पास है, आप देंगे हम देंगे रोजगार उन्हें, हमारे पास बहुत रोजगार है, हमारे पास आ जाओ। इतिहास बदले अब का फिर बदल देंगे हमारे हाथों में, जाट पिछले 20 दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले उसमें चरण में चुनाव है, तो अब उन्हें जाट याद आ गए। पिछले 15 दिन से न्यूज चैनल पे जाट ही जाट हो रहा है, जब इन्हें जाट याद नहीं आया, जब हाथरस में लाठी लगाई, जब इन्हें याद नहीं आया, जब हमारी कोठी खोसी गई जी चौधरी की, आज वे हमारे स्वर्ग स्वर्ग में चले गए चौधरी अजय सिंह, हमारे दिल में है। आप लोगों को तो अब दे रहे ना, इतना महत्व तो दे रहे हैं ना अब आप लोग। क्या महत्व दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, क्या हम तो कंगाल कर दिया उसने, हम तो ये चाचा 4,000 रुपए दे रहे किसान को, हम 12 दे मारा के छोड़ लो, ये अमित शाह योगी मोदी तीनू चल लो, पता लग जाएगी ना कुकर बने आज हमारे रोजगार है, पत्ती पाट पुलिस में तो नहीं पर पत्ती पाट पुलिस में तो हो गया। हमें जब किसी का चोट लग जाए तो अपनी माँ को याद करे, ये भी इनके बिल्कुल वो हो रहा है, जाट हो देवता, ये भी अपने देवताओं को याद कर जा। हाँ जी हाँ जी, आप युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और जहाँ तक की देश में ज्यादातर जनसंख्या युवाओं की है, युवा जिस तरफ हो जाएगा उस तरफ ही सत्ता हासिल हो जाएगी, तो ये हिसाब है हमारे ना, तो जो गठबंधन का हिसाब है वो बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा, और जैन चौधरी का ये नहीं है अब से ना, को जैन चौधरी का क्षेत्र है, दद्दल आई रिश्ता है जैन चौधरी का ना, तो जी उनके बड़े बुजुर्ग भी नाते जीतते चले गए, और हमें पूरी उम्मीद है इसका गठबंधन युवाओं को भी खूब रोजगार देगा। रही बात 6,000 रुपये की, ये 6,000 रुपये दे रहे, दोगुना टैक्स लगा रहे हमारे पे, MSP पे कोई फसल नहीं बिक रही, गेहूँ का बाद 2025 था, ये गेहूँ कोई 1400 ले रहा, कोई 1500 ले रहा, तो हमारी फसल जा नहीं रही, वे हमारा राशन पर दे रहे लोग, तो हमारा तो कुछ फायदा नहीं होने फसल उगने का। आप बताए, हाँ आप बताए किसकी लहर देख रहे हैं? जयंत की जी। क्यों क्या क्यों? एक बात कम जी, मारे तो सिर्फ घोड़े के बंदे रहे ना गन्नू, ये हमें तो जैन दिख रहा, उसके सिवा कुछ ना दिख रहा, मारा गेहूं आया नहीं, इब तो भाई है 2100 का, मारा गेहूं आती गेहूं भी क्या 1500, कोई लेने वाला नहीं, पता बताओ क्या है, सरकारी उस पर 1975 का रेट था, चले जाओ 10-10 दिन लौटना पड़ रहा, गेहूं नहीं तुल के दे रहा, वहीं पड़े रहो, कैसे होगा भी बताओ, MSP है ही नहीं बिल्कुल भी, जिसका जो जी करे वही खरीद ले। ना कुछ किया मतलब, झूठ कह रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? झूठ हम झूठ नहीं कह रहे हैं, वे झूठ कह रहे हैं, मोनी का पूछ रहे हो आप, उनको बोल रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, इतना मतलब विकास किया उन्होंने तो आप कह रहे हैं झूठ। सड़के बनाई, जिसके सड़क पर घर है सबके घरों में पानी, एकदम बारिश, इतने ऊंचे ऊंचे घर थे सबको घर पाड़ने पड़ेंगे, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाह कहाँ है,
किसी के पास कुछ नहीं। एक गन्ना पेमेंट भी थी, वो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। मान के चलो कि हम अपनी फसल बो रहे और फसल का रेट मतलब कि कोई बाजार में बेचने जा रहे तो तब तक गैल मिल जाए पेमेंट, और ये फसल का एक डेढ़ साल बाद पेमेंट आता है, इतनी दुगुना खर्चा हो जाता है लोग बागू का। अरे चौधरी ने 45 फैक्ट्री लगाई थी यहाँ गन्ना मिल की, और उनकी वजह से जी जा रही है, उनका एहसान है बहुत बड़ा, हम जी रहे उनके सहारे पे और हमेशा जीते रहेंगे, और उनके मान सम्मान पता, हम अपनी जान नो छवर नु घड़ा काट दे। जयंत चौधरी जिंदाबाद। क्यों क्यों इतना क्यों भाजपा से क्या नाराज? भाजपा ने केरी के दिया दो दो चार चार बीघे खूड़ा में, उसका मोदी योगी खाजा। मगर इतना कुछ काम भी तो किया है ना, क्या कर दिया? बाहर देखे इतने जाकत खड़े हैं ये बेचारे हैं, इन्हें कोई इसी को नौकरी दी, 3 साल हो ली कोई भर्ती खोल ली हो, अब अपना भर जाओ, के जाना है वो उसका उलाता है नहीं, खर्चा वो जानता नहीं, वो जाना है जिसका उलाता मंत्री खर्चा नहीं जानते कह रहे हैं पैसे, उसे कुछ पता नहीं खर्चे का। अच्छा। खर्चा वो जाना है जिसका 5-7 जाकत हो, उसे बहरा खर्चे का क्या हो, वो देश को चला सके जो अपने घर के खर्चे को पता हो, उसका बाड़क नहीं, योगी का बाड़क नहीं, यो मोदी का बाड़क नहीं, के जाना है वो। इतना जो कहते हैं रोजगार मिल गया, बहुत सारे काम करवाते हैं, ताजे आंख थोड़े खड़े होते हैं। 3 साल हो लिया फॉर्म भरता 2019 में, 500 रुपए फीस गई थी रेलवे की, आज लोकल लेना देना पीछे और हटा दिया, 2 पेपर कर दिया, किस जगह क्या कर ले हम, यार चौधरी को टूट दिया, इनका बता दे क्या चीज है वो, किसको किसको जिता रहे? मारा तो खेत मांडा योगी मोदी, हमें पसना रहे ना तो बताते लोग का दिखे, जयंत चौधरी है जयंत चौधरी रहेगा, बीजेपी जाट नहीं तो बनाई थी जाट गिरेंगे से। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, इतने लोकप्रिय चेहरे हैं वो आप ऐसे कह सकते हैं? नहीं अवश्य जाट ही बना रहा, जाट ही गिरे, हम तो यह बात जाने। रोजगार के अलावा अनाज वगैरह भी बंटवाया, खेत में हो जाए हमारे उसमें काम चल जाए, अनाज की जरूरत जिसके घर में वहाँ आने का उसका तो मिल ही नहीं रहा, किसान के घर में टैक्स है किसानों को तो मिल ही नहीं रहा। आप बताइए, ये कह रहे की रोजगार नहीं मिला, कुछ मिला, सहमत मिले ना? मारे तो मुरली कट गई जी, मारे तो मुरली कट गई जी, 2019 में फार्म भर रहा था, 2019 में फार्म भर रहा था ग्रुप डी का, ग्रुप डी का अब तक का कोई पेपर नहीं है, एक NTPC का कराया था, वो देखा होगा आपने न्यूज में कितना लाठी चार्ज कराया इन्होंने, बिहार में कितने लोग परेशान रहे दुखी रहे कई दिन तक का, ये इनका कुछ नहीं है, बेरोजगारी का जुल्मा बनाते हैं, कुछ नहीं है। मगर आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया किसान आंदोलन, ये सब कानून भी वापस लिए उस पर। अच्छा किसान आंदोलन वापस कब लिए आप ही बताओ, कब लिए? जब इन्हें लिया तो ना आखिरी में तो उन्होंने आप लोगों के लिए कर दिया ना। मैडम जी चुनाव के चक्कर में ले लिया, ये ना लेने के इनाम ऐसा करके छोड़ देंगे, ये किसी लाख टल्ला बजाऊंगे मंदिर में, ये और कुछ नहीं करने लाख छोड़ देना मंदिर नहीं तो बनवाया जी, टल्ला ही बजवाना जी, राम मंदिर से हाँ जी, वो मंदिर इन्होंने अपने लिए तो बनाया जी। अच्छा, आप लोगों के लिए भी तो किया है इतना विकास, हमें तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं जी, हम तो जोड़ी लेकर आए थे, जोड़ी ठाक चल जाएंगे, इनका अकाउंट चेक करवाइयो एक बार, कितने रुपए या बात भी तो नहीं चाह है, इनके विदेश में खाते भरे पड़े हैं, खुली रह जाओगी आगे लड़के की संपत्ति देखो जाके, आँख खुली खुली इतनी संपत्ति है, मगर बहुत कुछ किया भी तो है ना, इतना रोजगार हमें ये तो बताओ, हम तो सारे यहीं अंडा चाहिए 10 ट्रक भर लो आते, इतनी बड़ा क्या किसान है गन्ने की, वो हम तो काम नहीं घूमे, नौकरी मिल नहीं रही कहीं, नौकरी है नहीं आपको भी नहीं मिली, काम मिल रही है थारे बात करते जो मिलती नौकरी करते अपनी, शिक्षा विक्षा के लिए भी तो बहुत कुछ किया, कुछ भी ना करा, चलो हमारे सुविधा देख लो जाके स्कूल की, बिल्कुल कोई खेल का वो नहीं स्टेडियम, यहाँ क्या कर दिया बताओ सरकार ने, क्या करा कोई स्टेडियम नहीं मारेंगे कोई, कानून वापसी ले लिए मैं पत्रकार को गाऊ गिर गए और फिर कह दू मैं गलती तो पीटिया अभी कोई बात हुई ले लुआ दिए, ये तो आक्रोश में लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, आप किसकी लहर देख रहे हैं? जयंत चौधरी की लहर, गठबंधन की है यहाँ से, तो क्यों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे आप तो? देखो जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जट्टों का समीकरण है, और जहाँ तक की बात है मुस्लिम भाई भी और सारे समाज है छोटे मिल गए जट्टों के समीकरण के हिसाब से, जट्टों के लिए भी तो बहुत कुछ किया, के लिए क्या, ये हमें 6,000 रुपए दे रहे, ये हमें 6,000 रुपए दे रहे, मरता दुगुना दुगुना वसूली कर रहे टैक्स के रूप में, ये मान चलो, तो बाकी रोजगार वगैरह भी तो दिया है ना, रोजगार के दे दिया, देखे मेरे जी कितने जाकत खड़े है ये बता, किसी को नौकरी 3 साल कोई भर्ती खोल ली क्या बता, दो दो तीन तीन बीघे खूड है उसमें, उनका बापू कमाऊगा, माँ कमाएगी, एक बड़ा कमाओगे बता, उनमें घिया बोवे, एक बैंगन बोवे, दो दो बीघे को एक डूबे बता,
तो और महंगाई वगैरह सब तो अच्छा चल रहा है कह रहे लोग, बहुत उनके वाहवाही करते बाहर। इतनी महंगाई कर दी हमारे 100 रुपए जिसका मजदूरी है ना, उन पर आलू खाई नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों की राय जानी और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पगड़ा इन्हीं का भारी लग रहा है। तो बाकी चीज़ें हमें परिणामों में पता चलेगी, तब तक आप बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।